नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति आप सभी की रिव्यू पार्टनर, आप सभी का तहे दिल से जीएस गैलरी में स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए एक और रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को हॉकिंस का अप्पे पैन स्टैंड का रिव्यू दूंगी और अनबॉक्सिंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस अप्पे स्टैंड में हम क्या क्या बना सकते हैं और ये कितने प्राइस का है। तो इस वीडियो को भूलिएगा दोस्तों, हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये मुझे 1090 रुपीस मिला। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये इसमें कितने पार्ट्स अवेलेबल हैं, इसका क्या क्या यूज़ है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्टिक की बात करते हैं। ये काफ़ी मोटा स्टिक है और ईजली हम इससे अपने अप्पे या फिर कुछ और रेसिपी पलट सकते हैं और बना सकते हैं। ये इसका हैंड कवर और इससे हम अपने अप्पे को अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसके पैन को। ये हैवी है, ग्लास मटेरियल का बना हुआ है और दिखने में भी बहुत स्टाइलिश लग रहा है। हल्का नहीं है, हैवी है, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी होता है इस स्टैंड के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे मेन प्रोडक्ट हैं, दैट इज़ अप्पे पैन। वाओ, इट्स लुक सो शोवर। और ये नॉनस्टिक भी है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड भी नहीं है। पीछे ये रेड कोटेड है और इसका हैंडल काफ़ी मजबूत लग रहा है, मतलब ईजली ये हैंडल टूटने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं ईजली आप कैरिएबल है, स्टाइलिश है। और इसमें कुल 12 स्पेस दिया है अप्पे बनाने के लिए। तो इसको मैं ढक के भी दिखा दे रही हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा है, और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अगर आप अपने किचन में इससे बनाएंगे ना, तो आपका किचन और भी सुंदर लगेगा। तो मैं इस पर कुक भी करके आपको दिखा दूँगी कि इस पर आप क्या क्या बना सकते हैं। बात करते हैं गारंटी कार्ड की, तो हॉकिंस इस पर 2 साल की गारंटी दिया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इससे ईजली हॉकिंस के यूटेंसिल फैकल्टी से कांटेक्ट करें और चेंज करा सकते हैं। सबसे पहले हम अप्पे ही बना के दिखाते हैं आप लोगों को। तो अप्पे के लिए हमें सूजी, कर्ड, अनियन, टोमेटो, चिली और भी जितने भी आपको सही लगे वेजिटेबल ले लीजिए और इस कंसिस्टेंसी से बना लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अप्पे को गैस पे रखेंगे और हल्का सा हीट होने देंगे ऑयल डाल के। जब हमारा सारा ऑयल हीट हो जाएगा तो एक एक करके हम अपना बैटर इसमें डालेंगे इस तरह से बिल्कुल, और एक एक करके सारा 12 खाने में अपना बैटर अप्पे जो है डाल देंगे और इसके पकने का वेट करेंगे। जब ये पक जाएगा ना दोस्तों, तो लास्ट में एक बॉल की तरह काफ़ी सुंदर और बहुत प्यारा लगेगा, और खाने में भी और दिखने में भी ये दोनों ही शानदार होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे में फिलअप कर दिया है और मैं इसको कवर कर दूंगी, ये काफ़ी अच्छे से पक जाए और ये फुल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है ये हो चुका है एक साइड से, तो हम इसको स्टिक की हेल्प से पलट देंगे। स्टिक से पलटना वो काफ़ी इजी है क्योंकि ये नॉन स्टिक है ना, तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरीके से पलट रही हूँ स्टिक से, उसी तरीके से आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करके इससे आप स्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे अपने अप्पे को पलट लेंगे और ये बिल्कुल ऐसे ही 2 मिनट हम उस साइड से भी पकने देंगे इसे, कि काफ़ी क्रंची और पका हुआ रहे। तो अब दोस्तों मेरे ख्याल से हमारा अप्पे बनके रेडी है। मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को ये अंदर से कैसा है। दिखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी प्यारा भी। तो मैंने निकाल लिया और आप देख सकते हैं अंदर से एक एक चीज़ दिख रहा है ना, काफ़ी सॉफ्ट, बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसा ही अप्पे तो खाना चाहते थे हम। तो ये बहुत अच्छा है। अब सिर्फ अप्पे ही नहीं, हम इससे और भी कई रेसिपीज़ बना सकते हैं। लाइक मैं अभी आप लोगों को बाटी बना के दिखाती हूँ। बाटी के लिए हम इसी तरह से एक आटे का लोई ले लेंगे और उसमें हम इस तरीके से अपना जो स्टफिंग है भर के एक गोल बॉल का शेप दे देंगे। छोटे छोटे बाटी होते हैं ना, वही हम इस पे बनाएंगे, जिससे कि ये ऑयल फ्री और काफ़ी हेल्दी बाटी बनेंगे। तो सबसे पहले ये प्री हीट कर लेंगे हम, फिर बिना किसी ऑयलिंग के हम डायरेक्ट इसमें बाटी डाल देंगे।
छोटे छोटे बाटी इसके साइज़ के हिसाब से। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने 12 खाने में भर देंगे बाटी और ढक देंगे कि ये काफ़ी अच्छे से पक जाए। ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा, हम एकदम लो और मीडियम इसका हमारा गैस रहेगा उसी में करेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल सकता है। अब जब ये हल्का एक साइड से सिका चुका है, मैं इसमें एक एक आधा आधा चम्मच देसी घी डाल दूँगी कि ये अच्छे तरीके से सोक कर ले और टेस्ट काफ़ी अच्छा हो। आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते, ये ऐसे भी सिक के निकल सकता है। तो मैंने सारे पे देसी घी डाल दिया है और अब मैं इसको एक एक करके पलटूंगी। देसी घी पलट चुका है, अब इसी स्टिक के हेल्प से ये स्टिक, इससे भी देखिए कितने आसानी से पलट जा रहा है, बस हल्का सा आपको हाथ घुमाना है और ये हो जा रहा है। इसको एक एक करके मैं सारा इसका 12 बाटी पलट दे रही हूँ और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से पका ले रही हूँ, क्योंकि ये आटे का है ना, तो ये पकना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से नहीं पकेगा तो फिर बाद में हमारे खाने के बाद हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ध्यान से एकदम लो मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा। तो इस तरीके से पहले हम सब पलट लेते हैं कि दूसरे साइड का अच्छे से सिक आ जाए उसके बाद। तो ये देखिए कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी बाहर से क्रंची लग रहा है अंदर से सॉफ्ट, यही सेम चीज़ देखिए यहाँ भी होगा। इसे ढक देते हैं कि उस साइड का भी अच्छे से सिक आ जाए। और मेरे ख्याल से 2 मिनट हो चुका है और अब हमें देखना चाहिए कि ये हमारा बाटी रेडी हुआ है कि नहीं। तो बाटी हमारा बिल्कुल रेडी है, हम एक एक करके सारे बाटी निकाल लेंगे और मैं इसको अभी आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये सॉफ्ट है या कैसा बना रहा है ये हॉकिंस का अप्पे स्टैंड, और इस पे बाटी बनाना सही होगा कि नहीं। तो एक एक करके पहले निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं आप मेरा बाटी बिल्कुल रेडी है, ये छोटे छोटे स्मॉल बॉल शेप के काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। तो शेप और इसका कलर वगैरह काफ़ी परफेक्ट आया है और मैं इसको अंदर से आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितना फ्लफी टाइप का है और अंदर से कितना सॉफ्ट लग रहा है और अच्छे से हीट होके अच्छे से पक चुका है। तो ये बाटी भी काफ़ी अच्छा बना रहा है दोस्तों। तो मतलब अगर आप अप्पे स्टैंड लेते हैं तो इस तरीके से आप और भी सारे जैसे पैनकेक्स वगैरह भी बना सकते हैं, और रेसिपी बुक इसमें दिया उससे देख के आप ऐसे बहुत सारे रेसिपीज़ बना सकते हैं और अपने घर में खिला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।